गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सिलॉजिस्टिक रूल्स और उनसे एसोसिएटेड फैलसी जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ज्यादातर हम लोग सिक्स रूल्स और फैलसीज इस तरह से टर्मोलॉजी यूज करते हैं कि सिक्स रूल्स जो हैं किसके लिए, वैलिड सिलॉजिज्म के लिए जो रूल्स हैं वो जरूर फॉलो होने चाहिए वैलिडिटी के लिए, और यदि नहीं फॉलो होते हैं तो फैलसी कमिट होती है, और उस फैलसी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम इन रूलों, जितने भी रूल्स हैं हमारे और उनसे एसोसिएट फैलसी, इसके बारे में एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो जो पहला रूल है वो क्या है, वो कहता है कि इन ए वैलिड सिलॉजिज्म में अवॉइड फोर टर्म, मीन्स क्या हुआ, किसी भी वैध युक्ति में चार पद नहीं होने चाहिए। चार पद नहीं होने चाहिए तो कितने पद होते हैं किसी भी युक्ति में, आपको पहली क्लास में बताया गया है कितने पद, तीन पद। तीन पद कौन कौन से, एस पी एम, एस फॉर माइनर टर्म, पी फॉर मेजर टर्म, एम फॉर मिडिल टर्म। पहला रूल बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, कि किसी भी वैलिड सिलॉजिज्म में फोर टर्म नहीं हो सकते, तीन ही टर्म होते हैं। यदि फोर टर्म है तो वो फैलसी हो जाएगी, उसका नाम है फोर टर्म फैलसी, चतुष्पदी दोष। अगले नियम की तरफ आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, और ये एक याद रखिए कि सेकेंड रूल जो है वो प्रेमिसेस से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म से रिलेटेड है। मिडिल टर्म कहां होगा, प्रेमिसेस में होगा, इसलिए सेकेंड टर्म, सेकेंड रूल प्रेमिसेस से रिलेटेड है। रूल क्या कहता है कि इन ए वैलिड सिलॉजिज्म में डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म में इन एटलीस्ट वन प्रेमिसेस। डिस्ट्रीब्यूट अर्थात जितने जो वैलिड सिलॉजिज्म हैं उसमें मध्यम पद को कम से कम एक आधार वाक्य में जरूर व्याप्त होना चाहिए। मध्यम पद को आधार वाक्य में, एक आधार वाक्य में, दो में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि नहीं होता है तो फैलसी हो जाएगी। क्या रूल है ना कि कम से कम एक आधार वाक्य में जरूर व्याप्त होना चाहिए, किसको, मध्यम पद को। तो डिस्ट्रीब्यूट मिडिल टर्म एटलीस्ट वन प्रेमिसेस, एक आधार वाक्य में कम से कम होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो फैलसी हो जाएगी। कौन सी फैलसी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल या अव्याप्त मध्यम पद का दोष। तीसरा नियम हमने बोला कि दूसरा नियम आपका आधार वाक्यों से संबंधित है, तो तीसरा नियम याद रखिए किससे संबंधित है, कंक्लूजन से। ये पी वन, ये पी टू और ये कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमेशा आप देखेंगे कि दो पद रहते हैं, एस पी। कोई भी आप, कोई एक प्रिंसेस होगी, सेकंड प्रिंसेस होगी, फिर कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में क्या होगा, यहां भी दो टर्म होंगे, यहां भी दो टर्म होंगे, यहां भी दो टर्म होंगे। तो कंक्लूजन में तीसरा जो रूल है वो कंक्लूजन से रिलेटेड में बोल रहा हूं। कंक्लूजन में कितने पद, दो, एक एस एक पी। एस से रिलेटेड मतलब एस फॉर स्टैंड फॉर इन आर्गुमेंट, स्टैंड फॉर माइनर, पी स्टैंड फॉर मेजर। तो जो एस और पी की फैलसी यहां पे होगी, इसलिए इस नियम को बड़े अच्छी तरह समझने के लिए क्या कह रहा है कि एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस। अर्थात कोई भी पद यदि निष्कर्ष में व्याप्त है, कोई भी, चाहे एस हो चाहे पी हो, तो उसको आधार वाक्य में भी व्याप्त होना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फैलसी हो रही है। तो इसमें क्योंकि दो पद है इसलिए दो फैलसी होंगी। तो क्या होगी, यदि कंक्लूजन में एस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एस फॉर माइनर, माइनर टर्म, अमुख पद, एस यदि यहां पे कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मान लीजिए यहां पे एक फिगर हम कोई भी लिख देते हैं एम पी एस एम, कह रहा है एस यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और आधार वाक्यों में नहीं हो रहा है, तो वो एस की फैलसी हो जाएगी, मतलब इलिसिट, जो अनियमित है, किसका, एस माइनर टर्म, इलिसिट प्रोसेस ऑफ द मेजर टर्म, सॉरी एस फॉर माइनर और पी फॉर मेजर। तो यदि पी
यदि पी डिस्टर्ब है तो फैलसी पी की, एस डिस्टर्ब है तो फैलसी एस की। तो यदि एस यदि निष्कर्ष में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट है और आधार वाक्य में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो एस की फैलसी माइनस कर्ण की फैलसी, और यदि पी डिस्ट्रीब्यूट है कंक्लूजन में और आधार वाक्य में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो मेजर टर्न की फैलसी। इसलिए दो फैलसी हैं, इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर। इलिसिट मेजर अनियमित मुख्य पद और इलिसिट माइनर अनियमित अमुख पद। अगला जो रूल है वो क्या है, कहता है कि किसी भी वैध युक्ति मतलब वैलिड सिलोलॉजिज्म में क्या टू नेगेटिव प्रेमिसेस नहीं होना चाहिए। प्रेमिसेस आपको पता है आधार वाक्य जो है, ये कह रहा है टू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो प्रेमिसेस मतलब नेगेटिव क्या क्या होता है, सॉरी नेगेटिव प्रेमिसेस ई और ओ। तो ई और ओ का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है किसी भी वैलिड सिलोलॉजिज्म में। ई ई नहीं हो सकता, ओ ओ नहीं हो सकता, ई ओ नहीं हो सकता, ओ ई नहीं हो सकता। क्या हुआ, इसलिए किसी भी वैलिड सिलोलॉजिज्म में आपको दो निषेधात्मक आधार वाक्य नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता है तो वो फैलसी होगी, उस फैलसी का नाम है एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस, अर्थात निषेधात्मक आधार वाक्यों का दोष। चौथा नियम बहुत ही स्पष्ट है, क्या है कि दो निषेधात्मक आधार वाक्य नहीं हो सकते, यदि है तो फैलसी है। किसका, निषेधात्मक आधार वाक्य। ओके, पांचवा नियम जो है वो फोर्थ नियम का ही एक एक्सटेंशन मानी है। फिफ्थ रूल क्या है कि दो नहीं हो सकते, आप जित पे अड़े हैं कि दो नहीं, भाई साहब एक तो माने गए हम, तो कह रहे हैं ठीक है मान लीजिए आपका एक मान लिया, ई मान लिया चाहे ओ मान लिया, तो कंक्लूजन वो कह रहा है कि इसको निगेटिव ही कर दीजिए। तो पांचवा नियम क्या है, इफ एनी प्रेमिसेस इज निगेटिव, पहले कह रहा दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है दोनों हो जाएंगे तो आपकी फैलसी, कह रहा कि यदि मान लीजिए है एक प्रेमिसेस नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो नेगेटिव होना चाहिए। सेम इफ आइदर प्रेमिसेस इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। तो यदि कोई भी एक प्रेमिसेस नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा, यदि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है तो फैलसी हो जाएगी। उस फैलसी को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम द नेगेटिव प्रेमिसेस, अर्थात निषेधात्मक आधार वाक्यों से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष। तो हम निषेधात्मक आधार वाक्य से निषेधात्मक निष्कर्ष ही नहीं, निषेधात्मक निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं, स्वीकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालेंगे तो फैलसी हो जाएगी, वो फैलसी पांचवी। इसी तरह छठवीं फैलसी और आसान है, कह रहा है कि दो यूनिवर्सल प्रेमिसेस नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल कौन कौन सी होती है, ए और ई। कह रहा है कि यदि यूनिवर्सल प्रेमिसेस है दो, यूनिवर्सल प्रेमिसेस हमने हमें बताया ए और ई का कॉम्बिनेशन है, ए ए है, ई ए है या ए ई है या ई है, कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन है ए और ई का, यदि है तो कंक्लूजन जो है वो हमेशा यूनिवर्सल ही रहेगा, निगेटिव पर्टिकुलर नहीं हो सकता। तो सेम है, यदि यूनिवर्सल प्रेमिसेस क्या, फ्रॉम टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस नो पर्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, सर्वव्यापी आधार वाक्यों से अंशव्यापी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हम। यदि ऐसा हो रहा है तो फैलसी है, उस फैलसी का नाम है एग्जिस्टेंशियल फैलसी, सत्तात्मक दोष। तो मतलब कि यदि एक भी यहां पे यदि हमारे दोनों यूनिवर्सल प्रेमिसेस हैं तो कंक्लूजन वैलिड सिलोलॉजिज्म में हमेशा यूनिवर्सल होगा, यदि पर्टिकुलर यहां पे कंक्लूजन आ रहा है तो फैलसी हो जाएगी, उस फैलसी का नाम है एग्जिस्टेंशियल फैलसी। अब कैसे इसको हम चेक करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं रूल के साथ। देखिए
एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम पता करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वो वितरण या व्याप्त, ठीक है, ये व्याप्त वितरण कुछ भी आप कह सकते हैं। एक अपने हिसाब से याद रखिए, चाहे जैसे याद रखिए, एक फॉर्मूला टाइप से बना लीजिए। क्या फॉर्मूला बना? एस ए विलोप, यदि हम ऐसे लिखते हैं तो यही है कि इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, एस ए विलोप, ऐसे विलोप, कुछ भी याद रखिए, कैसे भी याद रखिए, याद रखिए। वो तो इसका मतलब क्या हुआ, कहना चाह रहा है कि ए प्रपोजिशन में एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, उद्देश्य, बी फॉर बोथ, बोथ मीन्स सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, एन फॉर नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, अर्थात नन, कोई नहीं, ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना प्रेडिकेट, और ओ तर्क वाक्य में प्रेडिकेट विधे। क्या रूल हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे लगाएंगे, यदि ए तर्कवाक है तो उसमें हम समझेंगे कि एस सब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ई में बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आई तर्कवाक में, आई प्रपोजिशन में कोई नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ओ तर्कवाक में केवल प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन और जो सिक्स रूल्स हैं उसके बिहाफ पे हम फैलसी पता करेंगे कि कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी सिलोलॉजिज्म वैलिड है या उसमें कोई फैलसी है। मान लीजिए एक दो एग्जांपल हम करते हैं। ई ए ए फर्स्ट, मान लीजिए दिया हुआ है तो फर्स्ट ये है, फर्स्ट किसको डिनोट करता है, ये फिगर, फिगर और ये मूड, ये क्या है, फिगर ये मूड, ठीक। फर्स्ट फिगर कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट फिगर हमने पिछली क्लास में बताया एमपी एसएम एसपी, मूड किसी क्रम में लिखी है, ई ए ए, ओके। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का नियम क्या था, एस ए बी नो पे, ई पहला कौन सा तर्कवाक है, ई, ई तर्कवाक में क्या बोल रहा है, बी, मतलब बोथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो सिमिलरली थोड़ा समझने के लिए कर लीजिए, पहला पद सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट, आप कहेंगे यहां पर तो एम लिखा है, ये सब्जेक्ट कहां हुआ, नहीं ये एम लिखा है जब ये एक आर्गुमेंट है पूरा, तब एम है पी है एस है, तो इसके नाम अलग अलग है, मिडिल है, ये मेजर है, एस माइनर है, लेकिन केवल अभी इंडिविजुअल ई एक प्रपोजिशन की बात करते हैं तो ये एस है ये पी है, ये मतलब ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक। यहां पे ये इंडिविजुअल प्रपोजिशन की बात हो रही है, इंडिविजुअल प्रपोजिशन में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट, तो सब्जेक्ट ई में सब्जेक्ट टर्म क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सिंबलाइज बना लीजिए आप समझने के लिए, ए ए में क्या है एस, ई में सॉरी दोनों, ई में क्या है दोनों बोथ, तो बोथ करिए, ए में क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टर्म, ए में क्या है सब्जेक्ट का, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको सिक्स रूल्स एकदम टिप्स में आना चाहिए और टिप्स में आ जाएंगे, प्रैक्टिस आप करते रहिए जरूर आपको आ जाएंगे, और रूल हमेशा नंबर वन से शुरू करके सिक्स तक जाइए, आपको कोई कभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक भी आपका सिलोलिज्म आप गलत नहीं होगा, आप फैलसी तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी फैलसी है, तो अब हम नंबर वन रूल से करते हैं। नंबर वन क्या है कि फोर टर्म नहीं होने चाहिए, फोर टर्म नहीं है यहां, एक एम, तीन ही है ना एसपीएम, एक ऐसे एक पी है एक एम है, फोर टर्म नहीं है तो पहला रूल नहीं लगा। दूसरा नियम हमने क्या बोला था, किससे संबंधित है, आधार वाक्यों से, और दूसरा नियम क्या है, मध्यम पद का नियम, मध्यम पद मतलब एम का नियम, एम का नियम क्या है कि दूसरा नियम बोलता है कि मध्यम पद को कम से कम एक आधार वाक्य में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या व्याप्त होना चाहिए, तो है कि नहीं है, यहां पे एम डिस्ट्रीब्यूट है,
तो दूसरा नियम भी नहीं लगा। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम निष्कर्ष वाला नियम है। निष्कर्ष का नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी पद कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है तो कौन सा पद डिस्ट्रीब्यूट है? एस। नियम क्या है? यदि कोई भी पद कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट है तो प्रेमसिस में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या है। यहां पे एस डिस्ट्रीब्यूट है, यहां पे है कि नहीं है? यहां पे है। ठीक है, जो निष्कर्ष में व्याप्त है यहां भी व्याप्त है, तो तीसरा नियम भी नहीं लगा। अब बढ़ते हैं अगले नियम की। अगला नियम क्या है? दो निषेधात्मक आधार वाक्य नहीं हो सकते, टू निगेटिव प्रेमसिस नहीं हो सकते। तो निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, तो दो निगेटिव भी नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं? आगे बढ़े पांचवें रूल की ओर। पांचवा नियम क्या कहता है? इफ एनी प्रेमसिस इज निगेटिव, इफ एनी प्रेमसिस, तो एक प्रेमसिस निगेटिव है, इफ एनी प्रेमसिस इज निगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव। यदि यहां पर निगेटिव प्रेमसिस है तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, ई या ओ में से होना चाहिए था, नहीं है, तो यहां पर फैलसी हो गई। कि यहां पर क्या है? अफर्मेटिव कंक्लूजन है, एक एक क्या है? अफर्मेटिव है ना, तो फैलसी, फैलसी यहां पर हो गई। फिफ्थ रूल, तो रूल कौन सा है यहां पे हुआ? तो ब्रोकन रूल जो है फिफ्थ। फैलसी क्या हो गई? क्या कर रहे हैं? ड्रॉइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रेमिसेस। ठीक है, निषेधात्मक आधार वाक्य से हम स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालना है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये फैलसी है। ठीक है, इस तरह से एक हमने तुरंत फैलसी आइडेंटिफाई कर दी। सिक्स रूल भी देख लेते हैं। सिक्स रूल क्या है? सिक्स रूल कहता है कि बोथ प्रेमिसेस जो है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकते, यदि है तो निष्कर्ष भी यूनिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर दोनों यूनिवर्सल है, डिस्कस भी यूनिवर्सल है। अब आप ये मत कहिएगा कि मुझे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर प्रेमिसेस नहीं आती है, तो फिर मैं एक बार रिपीट करने के लिए आपको बता दूं, यूनिवर्सल प्रपोजिशन कौन कौन सी है? ए और ई। पर्टिकुलर कौन कौन सी है? आई और ओ। अब यूनिवर्सल में एक निगेटिव है, एक अफर्मेटिव है, इसी तरह पर्टिकुलर में एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक, तो जो चार हैं, तो नेगेटिव कौन सी हैं, अफर्मेटिव कौन सी हैं, इन टर्मोलॉजी को जरूर ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत होइए। इसलिए फिर एक बार ए प्रपोजिशन का पूरा मैं नाम बता देता हूं। ए प्रपोजिशन क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई क्या है? यूनिवर्सल निगेटिव। आई क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और ओ क्या है? पर्टिकुलर निगेटिव। ओके, एक और जल्दी से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई ओ, आई ए ओ, थर्ड फिगर। ठीक है, तो क्या है ये थर्ड फिगर? थर्ड फिगर क्या होती है? एमपी बनेगा, पीएम बनेगा, फिर एमपी बनेगा, और ये यहां पे माता सीता आ जाती है। किसी तरह से याद रखने के लिए मैंने बताया आपको आई ए ओ। ओके, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाएंगे? आई, आई का क्या होता है? एन, एस एवन ओ, कोई भी ना, तो सब्जेक्ट टर्म ना प्रेडिकेट टर्म। ए में सब्जेक्ट टर्म, ओ में प्रेडिकेट टर्म, डिस्ट्रीब्यूशन का नियम लगा दिया हमने। आप क्या करेंगे? पूरा नंबर वन से छह नियम, जो सिक्स नियम तक है, वो आपको एक बार पढ़ लेना है। तो पहला फर्स्ट क्या है? फोर टर्म ही होने चाहिए, नहीं है, तीन ही है एसपीएम। दूसरा क्या है? मिडिल टर्म को कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यहां भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए दूसरा फैलसी भी नहीं है। तीसरा क्या है? इफ एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमिसेस, अर्थात कोई भी ऐसा पद जो निष्कर्ष में व्याप्त है उसको आधार वाक्य में भी व्याप्त होना पड़ेगा। पी यहां व्याप्त है, यहां पे क्या है? व्याप्त नहीं है। पी क्या कहलाता है? मेजर टर्म।
तो फैलसी कौन सी बनी? मेजर की। मेजर इसलिए फैलसी का नाम क्या है? इलिसिट मेजर। ब्रोकन नियम, ब्रोकन रूल क्या हुआ? थर्ड फैलसी, इलिसिट मेजर। अनियमित, हिंदी में इसको बोलते हैं अनियमित मुख्य पद का दोष। मेजर फॉर मुख्य पद का दोष, फैलसी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म। ठीक है, तो इस तरह से फैलसी कभी भी हम आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन का नियम बताए हैं और सिक्स रूल एकदम प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, आपको मैं हर अपने वीडियो में अपना मोबाइल नंबर बताता हूँ। मोबाइल नंबर मेरा फिर एक बार नोट कर लीजिए, 9452128378। मुझे अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और कोई भी मीडियम मुझे अपना के अप्रोच कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है लॉजिक में किसी तरह की, आप लोग हमेशा वेलकम हैं। मैं उनकी प्रॉब्लम तो आपकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।